देखो बेटा, हम लोग ने कल जो पढ़ा था उसके बारे में एक बात छोटा सा डिस्कशन कर लेते। हम लोगों ने कल स्मॉल मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात की थी। अगर हमें स्मॉल डिस्टेंस मतलब किसी भी एटम का साइज मेजर करना है, ठीक है, उसका साइज मेजर करना है, या फिर किसी मॉलिक्यूल का डायमीटर मेजर करना है, एटम का साइज, मॉलिक्यूल का डायमीटर, ये सब चीजें अगर हमें मेजर करनी है तो इनको मेजर करने के लिए कल मैंने आपको एक मेथड बताया, जिस मेथड का नाम था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, याद होगा है ना? जिन्होंने क्लास ली थी उसको समझ में आ रहा होगा, जिसने क्लास नहीं ली कोई बात नहीं, आज का जो आर्ट का आर्टिकल है ये भी तभी समझ में आएगा जब आप रेगुलर क्लास लोगे, मतलब कंटिन्यूसली अगर इस वीडियो को देखोगे पूरा 35 मिनट्स जो भी मिनट टाइम हमारे पास, कंटिन्यूसली अगर इस वीडियो को देखोगे तो ही ये वाला आर्टिकल आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है? तो जो भी है, आज के आर्टिकल में भी हम एक मेथड पढ़ने वाले हैं, जिस मेथड की हेल्प से आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे बेटा, स्मॉल डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे बेटा? स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब किसकी स्मॉल डिस्टेंस, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस मेथड में आपको ये समझ में आएगा कि कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो आपस में इंटर रिलेट करती है, कोरिलेट करती है, ठीक है। कैसे हमें फिजिक्स में केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, कैसे केमिस्ट्री का जो रोल है वो फिजिक्स में क्या है, कहाँ पर हमें फिजिक्स में जरूरत। अगर देखो हमें स्मॉल डिस्टेंस मेजर करनी है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, तो उसके लिए हमने एक एसिड ले लिया, इसका नाम है ओलिक एसिड। क्या नाम है बेटा? ओलिक एसिड, OLEIC, ओलिक एसिड है, ठीक है। ये ओलिक एसिड, इसका हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, इसका हम लोग साइज निकालेंगे कि ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है। तो देखो ओलिक जो एसिड है उसके बारे में बात करेंगे हम पहले, होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि क्या साइज के निकालने का ट्रिक क्या है, ठीक है। और आपको बता देता हूँ लेंथ को मेजर करने के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड थे ये इस वाले मेथड के बाद कंप्लीट होते हैं, इसके बाद कोई मेथड नहीं है जो लेंथ को मेजर करने के लिए आता हो। हमारे सिलेबस में जितने थे मैंने आपको सारे कराए हैं, कोई भी एक भी स्किप नहीं किया सिवाय एक कैपलर्स लो वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ आगे पढ़ा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर चलने वाला है, इसी फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर चलने वाला है जो कि डायमेंशन फॉर्मूला से रिलेटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हालांकि इनके मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट है और वो चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, ऑयलिक एसिड की बात करते हैं, ऑयलिक एसिड की, ठीक है। देखो ये एक ऐसा सब्सटेंस है या फिर एक ऐसा एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, बना किससे होता है, कार्बन से। हर एसिड जो है ना वो कार्बन से ही बने ऑलमोस्ट, तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है ऑयलिक एसिड का वो बहुत ज्यादा है, लार्ज मॉलिक्यूलर मास, लार्ज मॉलिक्यूलर, इसके पास बहुत सारे कार्बन, बहुत सारे कार्बन और एक COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको बोलते हैं, इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर। हमें स्ट्रक्चर नहीं समझनी इसकी, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ऑयलिक एसिड एक्चुअल में है क्या चीज। ऑयलिक एसिड एक कार्बन का यूं बोल सकते हो कंपाउंड है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, बहुत ज्यादा है, लार्ज मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो दूसरा पॉइंट, इसी के कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। देखो सारी प्रॉपर्टी में आपको ये मेथड में आपको हेल्प लगेगी बेटा, कि आप किस मेथड को समझोगे कैसे सारी प्रॉपर्टी के हेल्प से। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसका जो ये जो लिक्विड है वो किस शेप का, कैसा होता है बेटा, सोपी, सोपी टाइप का होता है, मतलब जैसे हमारा साबुन होता है ना बेटा, वैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, सोपी टच बोल सकते हैं, सोपी लिक्विड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सोप सॉल्यूशन जैसा होता है ना, वैसा ही हमारा ये कौन सा होता है बेटा, ऑयलिक एसिड होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी और खास ये है कि ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता, वाटर में ये क्या है बेटा, इनसोल्यूबल। वाटर में क्या है, अगर आप इसको पानी में डालते हो इस एसिड को,
ना, ऑलिक एसिड को अगर आप पानी में डाल दोगे तो पानी में घुलता नहीं। ये सारी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चे, ये सारी प्रॉपर्टी आपको इस मेथड को समझने में हेल्प करेगी, ठीक है। हर एक बात का कहीं ना कहीं लॉजिक मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम किसी ऑलिक एसिड को किसमें डाल देते हैं बेटा, वाटर में अगर डाल देते हैं तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर वो ज्यादा होगी किससे? ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड से डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी? ज्यादा। मतलब अगर आप ऑयलिक एसिड को पानी में डाल देते हो तो पानी तो नीचे रहेगा, ऑयलिक एसिड कहाँ रहेगा बेटा? ऊपर की तरफ, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है और पानी की डेंसिटी क्या है? ज्यादा। तो तीन बात बता दी मैंने आपको, एक तो ये इसका लार्ज मॉलिक्यूलर मास है, दूसरा ये सोपी सोल्यूशन टाइप का होता है, तीसरा वाटर में इनसोल्यूबल है, चौथा इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, पांचवी प्रॉपर्टी इसके अंदर ये अल्कोहल में सोल्यूबल है। अल्कोहल में क्या है बेटा? सोल्यूबल। मतलब अगर आप इसको मिक्स कर सकते हो तो मिक्स किस में कर सकते हो बेटा? मिक्स कर सकते हो सिर्फ अल्कोहल में, ठीक है, और किसी चीज में सोल्यूबल नहीं। अब आपको करना क्या है, स्टेप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप किसी ऑयलिक एसिड की डायमीटर या फिर ऑयलिक एसिड का साइज मेजर कर सकते हो इस मेथड से जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है, कि पांच चार प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे को लगता नहीं आपको, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी, मुझे लगता नहीं इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो प्रॉपर्टीज को हम मिटा देते हैं और अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या करना है। सबसे पहला स्टेप हमें करना क्या है बेटा, हमें एक सॉल्यूशन तैयार करना है। किसका सॉल्यूशन? ऑयलिक एसिड का एंड अल्कोहल का। ऑयलिक एसिड का और अल्कोहल का एक सॉल्यूशन तैयार करना है। देखो ये सॉल्यूशन इसलिए तैयार करना है क्योंकि ऑयलिक एसिड जो है वो सिर्फ अल्कोहल में ही मिल सकता है। तो सॉल्यूशन तैयार करने का तरीका क्या है, हम लोग इसका जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे उसकी कंसेंट्रेशन होगी 1/400 पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 400 मिलीलीटर में, 400 ml के अंदर, 400 ml अल्कोहल के अंदर हमारे पास 1 ml क्या होना चाहिए? ऑयलिक एसिड होना चाहिए। तो हमें ऑयलिक एसिड की कंसेंट्रेशन इतनी रखनी है, कितनी रखनी है? 1/400। सबसे पहला तो हम ये सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इस सॉल्यूशन को तैयार करने के बाद आगे जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो पहले हम भी बात करें यार कि हमें 400 ml पहले क्या चाहिए, आपका अल्कोहल चाहिए। अब 400 ml अल्कोहल है और बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, ज्यादा अमाउंट है तो उस अमाउंट को कम करने का एक तरीका, एक ट्रिक है, एक मेथड है जिससे हम कम अमाउंट ऑफ अल्कोहल का यूज करके भी कंसेंट्रेशन कितनी बना लेंगे बेटा? हम बना लेंगे 1/400। 1/400 का मतलब ये 1 ग्राम हमारे पास क्या है? ऑयलिक एसिड। और 400, सॉरी 1 ग्राम में 1 मिलीलीटर हमारे पास ऑयलिक एसिड है और 400 मिलीलीटर हमारे पास क्या है? अल्कोहल। अब इस कंसेंट्रेशन को बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास अल्कोहल की अमाउंट कम है ना, कम, इसका मतलब ये कि ऐसा तो नहीं है, देखो भाई मैं एक इतना एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 400 मिलीलीटर का अल्कोहल यूज करूं एक एक्सपेरिमेंट के लिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करने पड़ेंगे। अगर मान लो क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट मैं करा रहा हूँ और एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, हर बच्चा 400 ml अल्कोहल यूज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा अल्कोहल की वेस्टेज होगी। तो उस चीज को वेस्टेज ना करके हम इसको ट्रिक बताते हैं आपको कैसे आप कम अमाउंट ऑफ अल्कोहल से ये सोल्यूशन बना सकते हो। सबसे पहले करना क्या है बेटा, आपको 1 ml का लेना है बेटा, 1 ml आपको लेना है ऑयलिक एसिड। आपने 1 ml ऑयलिक एसिड लिया, उसको 19 ml अल्कोहल में डाल दिया, टोटल कितना ml हो गया बेटा? 20 ml। अब इस 20 ml सॉल्यूशन के अंदर 1 ml हमारे पास क्या है? ऑयलिक एसिड। और 19 ml हमारे पास क्या है? अल्कोहल। उसका सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन कितना हो गया? ये हो जाएगा 1/20। कितना हो गया? 1/20। मतलब इसके 20th पार्ट में
इसके 20th पार्ट में वन पार्ट हमारे पास एल्कोहल है, सॉरी वन पार्ट हमारे पास ऑयलिक एसिड है। ठीक है, अब एक बीकर लिया हमने, ठीक है, बीकर में क्या करा, पहले 19 ml एल्कोहल डाला, उसके अंदर 1 ml डाल दे ऑयलिक एसिड, सोल्यूशन बन गया 1/2, 1/2 कितना 20। अब उस बीकर में से हम एक और बीकर लेते हैं, एक और बीकर लेते हैं, उसमें वापस से कितना ml एल्कोहल लेते हैं, उसमें वापस से हम लेते हैं बेटा 119 ml एल्कोहल, उसमें से वापस से मैं 119 ml एल्कोहल लिया। अब जो बीकर में हमने 90 ml और ये डाला था वन, है ना, इसकी सोल्यूशन कितनी है 1/20, उसमें से 1 ml और आपने कर, देखो करना क्या है, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में कितना अल्कोहल डाल दिया बेटा, आपने उस बीकर में डाल दिया अल्कोहल 19 ग्राम। ठीक है, उस 19 ग्राम अल्कोहल डालने के बाद आपने 1 ग्राम, सॉरी 19 ग्राम ही, 1 ml, 19 ml डालने के बाद आपने उसके अंदर 1 ml और डाल दिया। 1 ml क्या डाल दिया बेटा आपने, 1 ml डाल दिया ऑयलिक एसिड, कंसेंट्रेशन कितनी बन गई 1/20, मतलब आपके पास सोल्यूशन है इसकी कंसेंट्रेशन है 1/20। अब उसमें से 1 ग्राम या फिर उसमें से 1 ml, उसमें से 1 ml सोल्यूशन और दो। अब ये 1 ml सोल्यूशन किसका है, इस 1/20 का, इस 1/20 वाले का 1 ml सोल्यूशन और ले लिया, उसको किसमें डाल दिया बेटा हमने 90 ml में। दोबारा सोल्यूशन कितने मिलीलीटर होगा, 1/20 ml होगा। अब इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाय 20, मतलब कितना हो गया 1/400, 1/400 कितना हो गया 400। तो देखो ये एक मेथड हुआ जिसमें हम लोगों ने कितना अल्कोहल यूज करा, तो 90 ml और 90 ml दो, कितना 38 ml, 38 ml अल्कोहल यूज किया हमने, और 1 ml क्या यूज किया, ऑयलिक एसिड यूज किया। 38 ml एल्कोहल का और 1 ml ऑयलिक एसिड का यूज करके हम लोगों ने सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कितनी बना ली बेटा, हमने बना ली 1/400। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम लोगों ने एक ऑयलिक एसिड का एल्कोहल में सॉल्यूशन बनाया, ऑयलिक एसिड का एल्कोहल में सॉल्यूशन बनाया, और उस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कितनी ली हमने, उस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ली हमने 1/400 cm³, या फिर 1/1, है ना, 1 ml के अंदर, सॉरी 400 ml के अंदर 1 ml हमारा क्या होना चाहिए, ऑयलिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, अब आपको बता देता हूं मैं ये सॉल्यूशन क्यों बनाए, क्योंकि जो ऑयलिक एसिड है उसका कम से कम अमाउंट बताना है, जितना कम अमाउंट हम लेंगे ऑयलिक एसिड का उतना ये यूजेबल होगा। और इसको एल्कोहल में डालने का रीजन ये है कि जब एल्कोहल में ऑयलिक एसिड जाता है तो एल्कोहल क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाता है, तो लास्ट में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ऑयलिक एसिड, और बहुत कम अमाउंट में ऑयलिक एसिड बचेगा। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट समझ में आ गया। अब आपको जैसे ही पॉइंट नंबर 2 और 3 जो बताऊंगा, जैसे ही आर्टिकल कंप्लीट होगा, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा हर चीज का मतलब, कि ऑयलिक एसिड को व्हाट, इसमें एल्कोहल में क्यों डाला, ऑयलिक एसिड की कंसेंट्रेशन इतनी क्यों ली। ठीक है, सब चीज समझ में आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, इस ऑयलिक एसिड का जो सोल्यूशन बनाया है हम लोगों ने, जो सोल्यूशन कितना बनाया हमने, 1/400 वाला सोल्यूशन, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, मान लो एक मैं कंटेनर ले लेता हूँ, इस कंटेनर में वाटर है, इस कंटेनर में क्या ले लिया, वाटर है, ये इस शेप का कंटेनर है, ध्यान सुनो, इस कंटेनर में हमने कंप्लीटली वाटर ले लिया, ऊपर तक वाटर फैला था। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर से, है ना, इस कंटेनर में वो जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है 1/400 ml वाला सॉल्यूशन ऑयलिक एसिड का, वहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सॉल्यूशन का जो लिक्विड है वो हम किस कंटेनर पर डालेंगे, इस कंटेनर के सरफेस पर डालेंगे, इस वाटर के सरफेस पर डालेंगे। जब ये वाटर के सरफेस पर आके मिलेगा, आके गिरेगा, है ना, जब वाटर के सरफेस पर आके गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाटर से लाइट है तो पानी से ऊपर रहेगा, ये तो बात क्लियर है। दूसरा, वाटर में सोल्यूबल भी नहीं है तो पानी के ऊपर रहेगा, जैसे ही आप इसको गिरोगे उसके ऊपर, है ना, आपने यहां से सोल्यूशन डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसलिए डाल रहे हैं ताकि एकदम से जो यहाँ पर सॉल्यूशन जाने के बाद वो ज्यादा फैल ना जाए,
ना, हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डाला 1/400 सॉल्यूशन को। जैसे आप डालोगे होगा क्या बेटा, मान लो ये आपके वाटर का सरफेस है, सर्कुलर शेप में होगा। अगर आप ऊपर से देखोगे वाटर का सरफेस कैसे होगा, सर्कुलर शेप में होगा। जैसे इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डालोगे होगा क्या, इस ऑयलिक एसिड की जो लेयर है सर्कल बनाएगी, सर्कुलर शेप में आ जाएगी इस ऑयलिक एसिड, सर्कुलर शेप में आ जाएगी इस ऑयलिक एसिड की क्या लेयर। ठीक है, इसको अभी सर्कल कैसे बनेगा, क्योंकि ऑयलिक एसिड भी खुद भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है। अब ऑयलिक एसिड भी ट्रांसपेरेंट है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, तो यार पता कैसे लगेगा कोई उसने लेयर कहाँ बनाई है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, पानी के ऊपर ना, ऐसे पानी है हमारे पास, पानी के ऊपर थोड़ा सा पाउडर डाल देते हैं। पाउडर डालने के बाद वो व्हाइट व्हाइट पाउडर नजर आता है, जैसे ही हमने ऑयलिक एसिड डाला वो पाउडर को अलग कर देता है, और पाउडर को जब दूर करता है तो बीच में एक सर्कल बन जाता है पाउडर का, पाउडर के अलग मतलब पाउडर जो आपके कॉर्नर में चले जाएंगे बीच में एक पानी का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, वो सर्कल किसका होगा, ये सर्कल होगा किसकी हेल्प, ये इस सर्कल के अंदर क्या होगा, इस सर्कल के अंदर होगा ऑयलिक एसिड, क्या होगा बेटा, ऑयलिक एसिड। ठीक, अब ऑयलिक एसिड क्यों होगा, एल्कोहल क्यों नहीं होगा, कि जब पानी के अंदर आप उसको डालोगे एल्कोहल जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर सिर्फ आपके पास बचेगा ऑयलिक एसिड, और वो भी किस शेप में है, सर्कुलर शेप में। मतलब आप यू बोल सकते हो एक बहुत पतली थिन लेयर ऑयलिक एसिड की बन जाएगी पानी के सरफेस के ऊपर, ऑयलिक एसिड की पानी के सरफेस के ऊपर एक पतली थिन सी लेयर बन जाएगी, ऐसे बोल सकते हो डिस्क टाइप की शेप बन जाएगी ऑयलिक एसिड की, इसकी विड्थ आपको पता होगी है ना। अच्छा, जब आप इसको पानी में डालोगे, पानी में डालने के बाद एल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, एल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रिपेयर किया एक सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 1/400, और अब हमने उसकी एंड ड्रॉप कितनी ड्रॉप बेटा, एंड ड्रॉप ऑफ दैट सॉल्यूशन, एंड ड्रॉप ऑफ दैट सॉल्यूशन है ना, इसको कहां पे कह रहा है, एंड ड्रॉप को बेटा इन वॉटर, इन वॉटर में इसको हमने एंड ड्रॉप सॉल्यूशन को ऐड किया। अब देखो एक ड्रॉप जो हमारे पास उसका वॉल्यूम V है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम, तो एंड ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एंड ड्रॉप जो हमने डाली है, अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है तो वॉल्यूम ऑफ एंड ड्रॉप वो हो जाएगा बेटा एन वी, कितना हो जाएगा बेटा एन। ठीक है, अब देखो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, किसी भी एक ड्रॉप का वॉल्यूम हमने पता है किस किस कौन से मेथड से निकाला है, एवोगैड्रो मेथड से हमने निकाल चुके। ये हमारे पास कितने कितने ड्रॉप का मॉलिक्यूल हो गया बेटा, एन ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है वी, एन ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा एन वी। ठीक है, अच्छा एक ड्रॉप में कितना ऑयलिक एसिड है, 1/400, तो एन ड्रॉप में कितना वॉल्यूम एसिड हो जाएगा, ऑयलिक एसिड कितना हो जाएगा इसके अंदर, ऑयलिक एसिड इन एन ड्रॉप, भाई एक ड्रॉप में तो 1/400 है, तो एन ड्रॉप में कितना हो जाएगा एन वी अपॉन 400, एन वी अपॉन 400 वो ऑयलिक एसिड है जो ऑयलिक एसिड वाटर पर जाकर सर्कुलर शेप बनाए, उसकी मान लेते हैं सर्कुलर शेप की जो विड्थ है वो बहुत स्मॉल है, इस शेप की विड्थ बना देगा ये, ऐसे सर्कुलर शेप की डिस्क बना लेगा ये ऑयलिक एसिड वाटर के सरफेस पर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, आपने ऑयलिक एसिड ऊपर से डाला, उसने जाके नीचे पानी के सरफेस पर एक ऐसी डिस्क बना ली, अब इस डिस्क का वॉल्यूम और ये जो आपने एंड्रॉप वो डाले एंड्रॉप ऑयलिक एसिड डाला है, इसका वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम, तो हम बोल सकते हैं किसका वॉल्यूम बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ डिस्क फॉर्म इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, वो होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एंड ड्रॉप ऑयलिक एसिड, एंड ड्रॉप ऑयलिक एसिड। देखो ब्रेन यूज करते जाओ तभी समझ में आया क्या बता रहा हूं,
वॉल्यूम ऑफ द डिस्क फॉर्म, आपने ऊपर से बेटा अल्कोहल डाला, अल्कोहल डालने और सॉरी ऑयलिक एसिड का सॉल्यूशन डाला जो पानी पे जाके एक डिस्क बना रहा है, जितने आपने एंड्रोप डाले उसमें जितना ऑयलिक एसिड था सारा कहाँ प्रेजेंट है, नीचे डिस्क में प्रेजेंट है, उसमें से जो अल्कोहल है वो इवेपोरेट हो गया, अब सिर्फ नीचे क्या बच गया बेटा, नीचे सिर्फ बच गया ऑयलिक एसिड जो कि किस शेप में है, ये डिस्क की शेप में, ये सिर्फ ऑयलिक एसिड बच गया। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क फॉर्म, ये किसका वॉल्यूम है, ऑयलिक एसिड का ही वॉल्यूम है, और जो हमने ऊपर से एंड्रोप डाला था उसका वॉल्यूम कितना है, एनवी अपॉन 400, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, है ना। अब देखो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, किसी भी डिस्क का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसका जो एरिया है वो एरिया और इसकी विड्थ की जो हाइट है एच, उसको बोल दिया हमने एच, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बेटा, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट ना बोल के बोल थिकनेस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, थिकनेस, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, थिकनेस किसकी है, जो ऑयलिक एसिड की लेयर बनी है पानी के सरफेस पर उसकी थिकनेस है ये, कितनी थिकनेस है बेटा इसकी, इसकी थिकनेस है हमारे पास कितनी, टी, एरिया कितना मान लेते हैं इसका, ए मल्टीप्लाई बाय टी बराबर वॉल्यूम ऑफ द एंड्रोप कितना है था, एन वी अपॉन 400, यहां से थिकनेस कैसे निकलेगी, एन वी अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय टी, देखो कैसे निकालेंगे, अब ये तो पता है हमें कि कितने ड्रॉप डाला हमने, एन ड्रॉप डाले, एक ड्रॉप का वॉल्यूम पीछे वाले मेथड से एवोगाड्रो मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है, 400 मल्टीप्लाई बाय एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, जब हम उसको पानी में डालेंगे, किसको, उस लेयर को जब पानी में डालेंगे, तो पानी में डालने के बाद जब लेयर का सर्कल बनेगा उस सर्कल का डायमीटर हम अपने तो किसी भी स्केल से उस डायमीटर की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ए डायमीटर मिल गया, उसकी विड्थ मिल गई, है ना, एरिया निकल जाएगा, टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, एरिया की वैल्यू कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर वो लगा दो चाहे, या फिर पाई डी स्क्वायर बाय टू लगा दो, मतलब डायमीटर की फॉर्म में लगा दो, यहाँ से आप थिकनेस निकाल सकते हो। अब ध्यान सुनो दोबारा मेरी बात, सबसे पहले सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, पहली बात इसका सॉल्यूशन जो बनाया अल्कोहल में क्यों बनाया, क्योंकि भाई अल्कोहल में सोल्यूबल है, पानी में है नहीं, पानी में नहीं बनाया हमने, ठीक है, दूसरा इतना कम सॉल्यूशन क्यों बनाया, 1/400 मतलब इसकी कंसेंट्रेशन इतनी कम क्यों रखी, अगर हम ज्यादा कंसेंट्रेशन रखते, अगर हम ज्यादा कंसेंट्रेशन रखते तो पहली बात तो ये होती, ज्यादा कंसेंट्रेशन होने की वजह से ये जो सर्कल बनाता अपना पानी के सरफेस के ऊपर, ये बहुत बड़ा सर्कल बना लेता, तो पानी का सरफेस जो छोटा पड़ जाता, तो ये जो विड्थ बनाता सर्कल की, उस सर्कल की विड्थ मोटाई उसको बढ़ानी पड़ती, और विड्थ मोटाई बढ़ा देता सर्कल की, तो जो लेयर बनती है ना पानी के ऊपर, जो लेयर बनती वो एक सिंगल लेयर ना बनती, वो कैसी बनती, मल्टी लेयर, मल्टीपल लेयर बनती, 1 2 3 4 5 7 8 लेयर। अभी हमने इसको इतना कम सोल्यूशन इसलिए बनाया है ताकि इसकी पानी के सरफेस पर एक सिंगल लेयर बन जाए, और उसका डायमीटर भी पानी के जो सर्कल का जो कंटेनर का डायमीटर है ना, उस कंटेनर के डायमीटर से छोटा रहे, इसलिए हमने इसका कंसंट्रेशन बहुत कम रखी है। जब इसको आप बनाओगे, इसको जब आप पानी में डालोगे, पानी में जब इसको डालोगे तो ये कैसी लेयर बनाएगा बेटा, मोनो लेयर, मोनो लेयर बनाने के बाद ही इसने, है ना, एक सिंगल लेयर बनाने के बाद ही हम उसकी विड्थ, अगर मान लो ऑयलिक एसिड की विड्थ पता लग गई, एक सिंगल ऑयलिक एसिड है, एक ही लेयर है उसकी, तो उस विड्थ का मतलब क्या है, आपको ऑयलिक एसिड का डायमीटर मिल रहा है, या उसका क्या मिल रहा है आपको, साइज। दूसरा उसमें हमने एंड्रॉप डाले, एंड्रॉप में एक ड्रॉप के अंदर कितना आपके पास वो था ऑयलिक एसिड, 1/400, तो एंड्रॉप में कितना ऑयलिक एसिड हो जाएगा, NV/400, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास डिस्क नीचे बनी पानी के ऊपर, पानी में एक सोल्यूबल नहीं है ये तो बात फैक्ट है, इसकी डेंसिटी कम है इसलिए पानी से ऊपर रहा है, जितनी इसके अंदर पानी के अंदर क्या बनी बेटा, डिस्क बनी, उस डिस्क का जो वॉल्यूम होगा वो एंड्रोप वाले हमारे ऑयलिक एसिड के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, है ना। अब कई बार क्या आता मन में बेटा, ये वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, है ना, वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एक लंबी सी टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब में उसको मेजर करके, किसको मेजर करके, जो भी हमारे पास ये सोल्यूशन है ऑयलिक एसिड और एल्कोहल का सोल्यूशन है, इसको मेजर करके टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, हम जितने ड्रॉप डालते हैं उतने ड्रॉप डालने के बाद वहां पर वो मार्क लगा होता है ना, उस पर कैलिब्रेशन हो रहा होता है, कैलिब्रेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि
कि हमारा कितना वॉल्यूम जो है पानी का वो नीचे गया। उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम इतना होगा। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी उसका जो मार्क था वो किस किस पे था, 100 पे था, 100 पे था, उसके बाद वो मार्क आ गया 80 पर, 100 से 80 पर आया तो कितने 20 ml, 20 ml जो है हमारा वो एंड्रोप में चला गया। अब एक ड्रॉप का वॉल्यूम है ना निकाल सकते हैं किससे, उस 20 ml को एंड्रोप से डिवाइड करके एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल सकते हैं भाई, हो ना सकता। आपने नीचे से उस टेस्ट्यूब को खोल दिया, टेस्ट्यूब को ओपन किया, उसमें 1 ड्रॉप बाई ड्रॉप निकल रही है, एक ड्रॉप का साइज भी इक्वल आ रहा है, और वहां पर आपकी मानो 400 350 ड्रॉप नीचे गिर गई, 350 ड्रॉप उसके अंदर चली गई। उसके बाद आपका वहां सोल्यूशन कितना ml कम हुआ, 20 ml कम हुआ। तो 20 ml को किससे डिवाइड कर दोगे, 450 से। 20 ml को 450 से डिवाइड करोगे तो एक आपके पास मॉलिक्यूल का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। अगर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकल गया तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन से, आपको टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, इसको कर लोगे इस मेथड को। देखो अब इस मेथड में आपको किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो डाउट तो ऑब्वियस बात बनने वाले हैं, पूछ सकता है। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है, इसको हम बोल रहे हैं क्या, कोई भी बच्चे इसको डाउट हो इस मेथड में समझ ना आए कुछ, वो पूछ सकता है। उसके साथ साथ हमारा अगर मान लो आपका कुछ डाउट नहीं है तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगला जो इसका थर्ड पोर्शन है उसका नाम है डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस अगला चैप्टर है। पूछ लो डाउट अगर किसी को, अदरवाइज क्लास ओवर है, आगे नहीं चलेंगे। मैं पूछूं, एल्कोहल इवेपोरेशन क्यों बोलते हैं, एल्कोहल का जो ना जैसे एल्कोहल लिक्विड स्टेट में, एल्कोहल को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए रूम टेम्परेचर। मतलब आप बोल सकते हो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप इवेपोरेट हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाता है एल्कोहल, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, जो एल्कोहल है, कौन से एल्कोहल की बात हो रही, इथाइल एल्कोहल। अलग अलग टाइप के एल्कोहल होते हैं बेटा, यहाँ पर जो एल्कोहल यूज किया है, जैसे सपोज करो आप धीरे एल्कोहल को छोड़ दोगे ना, कोई भी टाइप का एल्कोहल है, किसी भी टाइप का, जैसे मान लो जो मार्केट में एल्कोहल मिलता है उसको भी आप अगर ओपन करके बोतल को छोड़ देते हो तो धीरे धीरे उस बोतल में से एल्कोहल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, हमने एंड ड्रॉप करके डाला, धीरे धीरे क्या होगा, एल्कोहल क्या कर जाएगा बेटा, इवेपोरेट कर जाएगा रूम टेम्परेचर पर भी, इवेपोरेट कर जाता है। ठीक है, सभी एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 76 नहीं होता, कुछ का कम भी होता है। और जैसे पानी है, वाटर की बात कर लेते हैं हम, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का, पर पानी अपने रूम टेम्परेचर पर भी तो इवेपोरेट करता है। इवेपोरेशन प्रोसेस एक ऐसी है जो रूम टेम्परेचर से कम भी हो, सॉरी उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पर भी हो जाती है इवेपोरेशन प्रोसेस। पानी है तब वो इवेपोरेट करता है, इवेपोरेट होने के बाद पानी बादलों में आता है तभी तो बारिश बनती है। अब 100 डिग्री टेम्परेचर होगा तो थोड़ी इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन कैन बी स्टार्ट एट एनी टेम्परेचर, और यू कैन से रूम टेम्परेचर, और एल्कोहल का रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेशन जल्दी होता है, इसलिए हमने वहां पर एल्कोहल यूज करा ताकि वो इवेपोरेट हो जाए। हम सिर्फ ऑयलिक एसिड के बारे में बात करें। नेक्स्ट, क्लास ओवर आ जा सकते हो, कोई डाउट हो पूछ लो। मनीष कुमार सबको बोलना है क्लास लेने के लिए, ठीक है। बोलिए, ठीक
चलो बता बताता हूँ। डायरेक्ट पानी में डालेंगे ना, एक ड्रॉप का जो एक ड्रॉप के अंदर जितना ऑयलिक एसिड आएगा ना, वो 1 ml से बहुत ज्यादा होगा। ठीक, अभी हमारे पास देख 400 ml के अंदर, 400 ml के अंदर मेरे पास 1 ml क्या है, ऑयलिक एसिड। और अगर आप डायरेक्ट उसको डाल दोगे तो उसकी बहुत कम अमाउंट मुझे प्रिपेयर करनी है, और बहुत कम अमाउंट। अगर मान लो आपने एक ड्रॉप डाल दिया ना, तो वो ड्रॉप आपके पानी के चारों तरफ जो है, पानी का जितना भी कंटेनर का डायमीटर है ना, उससे ज्यादा में फैल जाएगा वो। और वो सिंगल लेयर ना बना के मल्टी लेयर बना देगा बेटा। और मल्टी लेयर बना ली तो फिर हम एक लेयर का डायमीटर नहीं निकाल पाएंगे, हम बहुत सारी लेयर का डायमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए कि उसकी जो लेयर है वो सिंगल बने, एक उसका डायमीटर जो कम बने। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ा, हमें उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ा ताकि हम बहुत कम अमाउंट यूज कर पाए, बहुत कम अमाउंट यूज कर पाए। मान लो सपोज करो कि भाई आपको, जैसे किसी बच्चे को हम दवाई देते हैं है ना, किसी यंग को देते हैं तो कंसेंट्रेशन की हाई रखते हैं, किसी बच्चे को दवाई देते हैं उसको पानी में घोल देते हैं, पानी को फिर दूसरे पानी में घोल दो। ठीक है, एक गिलास लो उसमें दवाई को घोल दो, उसे कंसेंट्रेशन कम करने का तरीका क्या, फिर उसी को उसी में से एक ड्रॉप दूसरे गिलास में डाल दो, फिर उसको पानी में घोल दो, ऑटोमेटिकली कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। यहाँ इसका लॉजिक ये था कि हमें कम से कम अमाउंट में चाहिए क्या, ऑयलिक एसिड। अगर इसको डायरेक्ट आप डालोगे ना तो उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, और अगर अमाउंट ज्यादा है तो फिर वो लेयर बना नहीं पाएगा, मल्टीपल सिंगल लेयर, वो मल्टीपल लेयर बनाएगा। फैटी एसिड यूज कर सकते हो आप, कोई भी, जैसे कोई भी फैटी, ऑलिव ऑयल है ना, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो। पर यहाँ ऑयलिक एसिड को इसलिए यूज किया कि ऑयलिक एसिड जनरली बहुत जगह हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज होता है, इसलिए ऑयलिक एसिड का डायमीटर निकाला। ठीक है, और कोई डाउट? These are not fatty acid नहीं, ये fatty acid नहीं है बेटा। इनका साइज निकालने के लिए तो एवोगैड्रो मेथड है ही, एवोगैड्रो मेथड से निकाल लेंगे। ये ना ऐसा होता है ना, ऑयलिक एसिड की शेप कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे जाके COOH, ये हर पॉइंट दे रहे कार्बन एटम है। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है ना तो मुझे व्हाट्सएप पे एक बार हाई लिख के भेजियो, मैं तुझे एक लिंक भेजूंगा बेटा। ठीक है, लिंक में इस मेथड के बारे में आपको पूरे डिटेल के अंदर मिल जाएगा। बाकी जो मैंने बताया जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता ही दिया, सब समझ में आ ही जाएगा आपको, पर वहां डिटेल में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके।